क्वेश्चन, कोई चीज जो समझ ना आई हो? नहीं मैम, मुझे तो आ गई, अब इंशाल्लाह और रीड करूंगी ना। मैं खुद भी जब रीड करती हूँ ना, काफी खुद भी मुझे समझ आने लग जाती है। नहीं नहीं ये तो है कि अगर स्टूडेंट खुद थोड़ा सा रीड कर ले ना, मतलब काम बंद होने के बाद सिर्फ अगर आप 15 से 20 मिनट लगा ले तो, हाँ जी, वो क्योंकि नया नया सबक होता है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। जो स्टूडेंट घर जाके रीड नहीं करते ना, उनके लिए पढ़ना ज्यादा मुश्किल है। हाँ जी, मुझे यही लगता है कि ना काफी क्वेश्चंस जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो काफी क्लियर हो जाता है, समझ आने लग जाती है काफी चीजें। कल मैंने बड़ी मजे की ऑडियो सुनी इसकी, वो नेट पे थी, वो किसी इंडियन की थी, उसने बड़ा अच्छा समरी को उर्दू में एक्सप्लेन किया, मुझे सारी स्टोरी समझ लग गई। बस यही है, वो मुझे काफी इजी हो गया उससे पढ़ के ना, बल्कि इसका क्या कनेक्शन था, एलिजाबेथ मेन रोल है, फिर जी डार्सी के साथ क्या उसका प्रेजुडाइस हो गया था, उसका प्राइड था, सारी मुझे थीम समझ आ गई है कि ऐसे किया करें। मलिहा ये जो आप पढ़ते हो ना, ये फिर ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कर दिया करें। जी जी मैं इंशाल्लाह मैं वो कर दूंगी, वो वाली वीडियो जो मैंने सुनी थी ना वो बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। चले जनाब आप शुरू करते हैं। एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर पेज नंबर 111 है करंट नोट का। एलिजाबेथ बेनेट का वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो दैट वर्क्स कन्विंसिंगली, कि उस लर्निंग एक्सपीरियंस ने बहुत ज्यादा काम किया, वर्क्स कम एंड एकॉम्प्लिशेस अ चेंज ऑफ हार्ट, और उसकी वजह से उसका हार्ट जो है वो चेंज हुआ। यानी कि जब उसको एक्सपीरियंस हुआ देन जो है उसका प्रेजुडाइस जो है वो किसी हद तक डार्सी के बारे में चेंज हो गया। अच्छा जी, लाइक ऑल अदर नॉवेल्स, सॉरी इन सेकेंड क्वेश्चन है, बलिया आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज हुआ हो? जी मैम, आप ये कौन सा पेज आपने बताया? 111 एलिजाबेथ बेनेट करंट नोट्स में से आपने बताया? जी मैम इधर तो 41 है आई थिंक। अच्छा फिर आप लोगों की बुक्स फिर डिफरेंट होगी, मेरी फिर और है। अच्छा अच्छा ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस Elizabeth find intricate character you amusing but does she understand them? ठीक है, वो कहती है कि Pride and Prejudice में Elizabeth जो है वो intricate characters जो है देखती है, amusing उनको मतलब amusing समझती है, but does she understand them? लेकिन क्या वो उनको understand करती है? Like all other novels of Jane Austen, Pride and Prejudice also focuses the theme of love. The theme of love and marriage. Elizabeth is the protagonist of Pride and Prejudice, and she is generally considered both one of Austen's most popular and endearing heroines, and one of the most popular female characters in British literature. Jane Austen herself wrote about Elizabeth, "I must confess that I think her as delightful a creature as ever appeared in print, and how I shall be able to tolerate those who do not like her, at least I do not know." Elizabeth is the second of 5 daughters of the Bennet family and is considered the most well-read and ready-witted, while her elder sister Jane is considered to be the beautiful one. It is Elizabeth who is her father's favorite, owing to her intellect, wit, and sprightly personality. And she frequently shares his sardonic amusement at both the antics of her mother and younger sister and the social mores and absurdities of the time. An intelligent, witty, and accomplished young woman, she is unfair to assert her own opinions and is not easily cowed by the rank and status of her social superiors. She is also considered physically attractive, and much is made in novel of her fine eyes. She is also a loving and devoted friend, acting as counsel and confidant to Jane, who despite being elder and considered the beautiful one, is more shy and reserved. She can however be stubborn, proud, and judgmental. The novel primarily centers around Elizabeth's relationship with Mr. Darcy,
wealthy yet proud young man who snubs her at formal dance, criticizing her appearance as being not fine enough to tempt him. अब जो है जब नॉवल स्टार्ट होता है तो बेसिकली वो स्टार्ट ही एलिजाबेथ और डार्सी के रिलेशनशिप पे जो है बेली जो उसका मेन फोकस था जो सेंटर था नॉवल का वो एलिजाबेथ और डार्सी के रिलेशनशिप पे था जो कि वेल्दी येट प्राउड यंग मैन जो कि प्राउड और वेल्दी यंग मैन था हु स्नब्स हर एट फॉर्मल डांस जो कि उसको स्नब करता है फॉर्मल डांस में और क्रिटिसाइज करता है उसकी अपीयरेंस को कि वो शायद उसको कभी टेम्प्ट नहीं कर सकती दिस इज द सीड ऑफ प्रेजुडाइस विच जर्मिनेट्स इन एलिजाबेथ माइंड एंड ग्रोज इनटू अ फुल फ्लेश्ड ट्री विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये वो सीड ऑफ प्रेजुडाइस था जो कि एलिजाबेथ के माइंड में जर्मिनेट कर गया वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात हो गई ना और फिर वो फुल फ्लेश्ड ट्री बन गया विद द पैसेज ऑफ द टाइम Elizabeth is confident, sensible girl who cannot be led astray by mere appearances. But here in this case, she is blinded by prejudice and rightly so. In fact, Elizabeth's prejudice stems from her wounded pride at the humiliating and proud attitude of Darcy at the ball. Elizabeth ek confident aur sensible ladki thi, jo ke mere appearances se jo hai wo kabhi bhi jise kehna chahiye inspire nahi hoti thi. और यहाँ पे एक्चुअली वो अपने प्रेजुडाइस की वजह से बहुत ज्यादा ब्लाइंड हो गई अपने प्राइड की वजह से ब्लाइंड हो गई और वो डार्सी की सही पर्सनालिटी को नहीं भा सकी एलिजाबेथ एक ऐसी लड़की नहीं थी जो महज अपीयरेंसेस की वजह से डिसीव हो जाती और दूसरी बात ये कि एलिजाबेथ को अपने ऊपर बहुत ज्यादा नाज था लेकिन फाइनली जो है वो अपने प्राइड की वजह से उसका प्रेजुडाइस भी गलत साबित हुआ और फिर इन फैक्ट एलिजाबेथ प्रेजुडाइस स्टेम फ्रॉम हर बाउंडेड प्राइड और उसका ये जो प्रेजुडाइस था वो उसके बाउंडेड प्राइड मींस कि जब वो उसको कहता है ना कि शी इज नॉट हैंडसम टू टेम्प्ट मी तो उसको अपने ऊपर ये भी नाज होता है कि शी इज सो इंटेलिजेंट एंड दिस एंड दैट तो मैं शायद बहुत बड़ी चीज हूँ और डार्सी उसके बारे में इस तरह से जब कहता है तो उसको गुस्सा तो आता है तो अब उसका बाउंडेड प्राइड था at the humiliating and proud attitude of Darcy at the ball. Ball beta ek dancing party ko kehte hain jo ek formal dancing party hoti hai. As she says, I could easily forgive his pride if he had not mortified mine. Ab wo kehti hai ki kyunki wo bahut zyada embarrassed feel karti hai, ashamed feel karti hai, to wo kehti hai ki main uske pride ko फॉरगिव कर देती अगर उसने मेरे प्राइड को फॉरगिव ना किया होता ठीक है अगर उसने मेरे प्राइड को ठेस ना पहुंचाई होती दिस लीड्स एलिजाबेथ टू टेकिंग अ प्रोनाउंस्ड डिसलाइकिंग ऑफ डार्सी हिज प्राइड पिक्स हर एंड शी विलफुली मिसइंटरप्रेट्स ऑल हिज अटरेंसेस एंड ऑल हिज एक्शंस हर डिसडेन फॉर हिम इज फर्दर फ्यूल्ड बाय द स्लैंडरस अकाउंट ऑफ जॉर्ज विकम हूज एंड एलिजाबेथ मीट्स सून आफ्टर मीटिंग डार्सी The charming and personable George Wickham tells Elizabeth that Darcy had wronged him and had denied him his rightful inheritance. अब जो है आगे आगे ये जो विकम होता है जो कि एलिजाबेथ से मिलता है तो वो उसको कहता है कि भाई इसने जो है ना मेरी जायदाद के मामले में मेरे साथ बहुत गलत किया है या मेरी जायदाद जो है इसने मेरे से हथिया ली है Here again, her prejudice clouds her usually clear judgment, and she listens to Wickham's biased and slanderous account of Darcy with complete belief, declaring Darcy to be abominable. अब क्या होता है कि जब वो उसकी पूरी बात सुन लेती है तो यहाँ पे भी उसका जो प्रिजुडाइस होता है वो क्लाउड हो जाता है उसके आगे जैसे आंखों के सामने एक पर्दा छा जाता है और वो डार्सी की सही जो उसकी एक पर्सनैलिटी होती है उसको नहीं जान पाती और वो डिक्लेयर कर देती है डार्सी को कि वो एबोमिनल है एलिजाबेथ डिसलाइकिंग ऑफ डार्सी रीचेस इट्स पीक व्हेन कर्नल फिट्ज़विलियम इन्फॉर्म्स हर अबाउट डार्सीज प्रिजम्पशन इंटरफेरेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन जेन एंड हिज फ्रेंड मिस्टर बिंगली अब क्या होता है कर्नल फिट्ज़विलियम जो है वो एलिजाबेथ को बताता है कि ये जो डार्सी है इसने मिस्टर बिंगली यानी कि अपने फ्रेंड की और तुम्हारी बहन की आपस में शादी नहीं होनी This is the moment when Darcy proposes her. और ये वो moment था जब Darcy उसको propose करता है
But Elizabeth rejects his offer of marriage in a furious manner and accuses him of being responsible for the ruining become prospect and interfering with Jane's happiness. और वो उसको गुस्से में क्या कह के जाती है कि तुमने जो है विकम की सारी जायदाद जो है उसे छीन ली है और तुमने मेरी बहन की हैप्पीनेस को उससे छीना है. Darcy is totally humbled by Elizabeth's rejection of his proposal. Confident of being accepted, her rejection makes him realize his misplaced pride. In order to refute the charges, he writes a letter to Elizabeth, and from that moment, his mind changes from pride to the awareness of the value. It is a surprise that Elizabeth, who takes pride to be better judge of characters and often reprimands Jane for being myopic. Myopic कहते हैं बेटा short sighted in every sense, तंग नजर, ठीक है, short sighted in every sense. अच्छा, अब it is a surprise कि Elizabeth जो कि pride को better judgment of characters के तौर पे लेती है often reprimands Jane for being myopic. उसको लगता है कि जो मेरी बहन जेन है ना ये myopic है, यानी कि बहुत short sighted है, ये लोगों को शायद पहचान नहीं सकती, बेवकूफ है. Herself become a victim of short-sightedness. और वो खुद short-sightedness का शिकार हो जाती है, खुद तंग नजरी का शिकार हो जाती है, खुद वो wrong decision कर बैठती है. She is misled in her judgment and intimate of both Darcy and Wickham. Sorry, estimate of both Darcy and Wickham. वो जो है misled होती है अपनी judgment में और जो है estimate वो गलत लगा बैठती है about Darcy और Wickham के बारे में. Her regard and sympathy for the latter and her hostility and prejudice against the former are due to first impression. और ये जो उसका regard था और उसकी sympathy जो बाद में occur होती है और उसकी ये जो hostility और उसकी ये जो prejudice है against the former due to the first impression. ये सब former यानी कि पहले वालों के साथ या former जो उसका attitude था, पहला attitude था, वो क्यों था? वो first impressions की वजह से था. She realizes that manners are not the index of one's character. She fails to judge the conniving and dishonorable character hiding beneath Wickham's outward pleasantness and Darcy's frank and pleasant personality under apparent gruffness. Gruffness kehte hain low and harsh ko. Ab jo hai usko actually andaza hota hai ki her personality jo hai wo jo zahiri hoti hai wo वैसी नहीं होती. विकम जो है वो देखने में बहुत खुश गुफ्तार किस्म का इंसान था और बहुत ही जैसे हम्बल किस्म की पर्सनैलिटी था, लेकिन आउटवर्डली तो वो अच्छा था, लेकिन इनवर्डली ही वॉज एवल. जबकि डार्सी जो है आउटवर्डली वो ऐसे लगता था जैसे बहुत ज्यादा रिजिड किस्म का इंसान है, हार्श है पर अपने आप में रहता है, लेकिन इनवर्डली वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक था और इनवर्डली वो बहुत ज्यादा फ्रैंक था. और ये बात एलिजाबेथ को उस दिन पता चलती है जब एलिजाबेथ डार्सी के घर जाती है और उसका उसके घर का जो सर्वेंट है वो एलिजाबेथ को बताता है कि जो मेरा मालिक है वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और वो बहुत ज्यादा केयरिंग है. इट इज ओनली आफ्टर रीडिंग डार्सीज लेटर दैट गुड सेंस प्रिवेल्स अपॉन हर. She realizes her mistake in judging both Darcy and Wickham. She realizes that her mother and sisters have been vulgar and ill-bred at Netherfield Park. Thus, Elizabeth's prejudice is softened and corrected by the revelation of Darcy's character. By writing the letter, Darcy humbles himself and Elizabeth begins to realize Darcy's good quality. In this connection, Elizabeth's visit to Pemberley is important. The housekeeper's testimony at Pemberley reveals to Elizabeth that Darcy's austerity get the severity, uski harshness of manner stems partly from shyness. Kyunki wo shy tha isliye wo is tarike se react karta tha, actually he was not harsh. Later the Lydia Wickham episode finally corrects her prejudice. Darcy overcomes his pride by involving himself in the Bennet's disgrace and accepting the man he hates, his brother-in-law. Brother-in-law kaun tha uska? Mr. Wickham. This overwhelms Elizabeth and cures her of her initial prejudice against him. She begins recognizing that Darcy was the man who in disposition and talent would suit her.
Lady Catherine's interference in the marriage between the two helps her to see the things in their true perspective. The two discover themselves and each other in their loss of pride and prejudice. The change helps them unite in marriage, the marriage based on love and balanced judgment and their forward. To sum up, we can say that Elizabeth is the most remarkable creature of Jane Austen's pen. ठीक है, ये जो एलिजाबेथ है दैट इज द करेक्टर, ये जेन ऑस्टन का मोस्ट फेवरेट करेक्टर था. हर एडमायरेबल क्वालिटीज आर नंबरस. शी इज लविंग, क्लेवर एंड इन अ नॉवल डिफाइंड बाय बाय डायलॉग शी कन्वर्सेस एज ब्रिलियंटली एज एवरीवन. ठीक है, बहुत तरीके से वो बात करती थी, कन्वर्स करती थी. हर ऑनेस्टी, वर्च्यू एंड लाइवली विट अनेबल हर टू अराइज अबाउट द नॉनसेंस एंड बैड बिहेवियर दैट परवेड हर क्लास बाउंड and often spiteful society. Nevertheless, her sharp tongue and tendency to make hasty judgment often lead her astray. Though she finds intricate characters amusing, yet she herself fails to understand them. Her vision is blurred by pride and prejudice, but it is indeed a tribute to her sense of fairness that she finally realizes her mistake. ठीक है, ये उसका उसका जो विजन था वो ब्लर्ड था, किसकी वजह से? प्राइड एंड प्रेजुडाइस की वजह से. लेकिन इंडीड ये एक ट्रिब्यूट है अपनी उसकी सेंस ऑफ फेयरनेस. ठीक है, कि दैट शी फाइनली रियलाइजेस हर मिस्टेक्स, कि ये उसकी सेंस ऑफ फेयरनेस. देखिए बेटा, बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं वो इतने रूड होते हैं, वो किसी सूरत, उनको पता भी चल जाता है कि गलती हमारी है, लेकिन क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ फेयरनेस नहीं होती, इस वजह से वो अपना व्यू पॉइंट कभी भी औरों के बारे में चेंज नहीं करते, रिजिड होते हैं ना. तो इस वजह से उनकी वजह रिजिडिटी होती है, वो उनको उनका व्यू पॉइंट चेंज होने नहीं देते. लेकिन एलिजाबेथ के अंदर एक सेंस ऑफ फेयरनेस था जिसकी वजह से उसने अपने आप को चेंज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.